जम्मू कश्मीर की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने आज इलेक्शन कमिश्नर के कार्यालय के बाहर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विभिन्न पार्टी के नेताओं ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट बीजेपी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जम्मू के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये रिपोर्ट वो तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस एनसी पीडीपी सीपीआई सीपीएम पैंथर्स अकाली दल बादल इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी देशभक्त यादगार कमेटी सिख इंटेलेक्चुअल फोरम पंथक तालमेल संगठन और शिवसेना राम सेना डोगरा सदर सभा ये सब ने अपनी कंसेंट दी है रिटर्न और हमारा वो सब मिलकर हम चल रहे हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन के कार्यालय के बाहर इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के यहाँ के जो चीफ थे के शर्मा उस कमीशन के मेंबर थे जिन्होंने हमारे साथ बेइंसाफी की। ये तमाम ओपोजिशन पार्टीज हैं नॉन बीजेपी, सिर्फ बीजेपी को ये रिपोर्ट पसंद है और बीजेपी के अध्यक्ष ने तो रिकॉर्ड कहा कि ये डिलिमिटेशन हम कर रहे हैं और हम इलाका इधर से उधर जोड़ रहे हैं और वो बात दुरुस्त निकली फाइनल रिपोर्ट में। इसलिए हमारे पास संघर्ष के अलावा और कोई चारा नहीं निकला, हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोई बेइंसाफी नहीं है, जो हम जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने एक इलाके को डाइसेक्शन की है, ये डिलिमिटेशन नहीं है, एक पैमाने एक आईने के साथ डिसेक्शन की है और जिसमें हर किस्म की बदबू आती है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी बेसिक नाम जो कानून में लिखा है, डिलिमिटेशन एक्ट में लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है, उसको डिलिमिटेशन कमीशन ने नहीं देखा, ना कनेक्टिविटी को देखा, ना कंटिग्यूटी के आसपास इलाके को देखा, ना क्षेत्रफल को देखा, ना पॉपुलेशन को देखा, ना जन सहूलियत को देखा और तमाम पैमाने को ताक पे रख के इन्होंने बीजेपी की रूह से उस रिपोर्ट को बनाया है और जिससे एक ज़िले के अंदर भी बेइंसाफी है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले के अंदर भी बेइंसाफी है, जम्मू रीजन के अंदर भी बेइंसाफी है। और बीजेपी सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हमने जम्मू रीजन को छेद दी, इसलिए हमारा विरोध वो नहीं है। जम्मू रीजन का एक लोकसभा का हक और बनता था, लेकिन हमें कश्मीर के साथ अनंतनाग को सुदूरबनी तक जोड़ के एक बहुत बड़ी बेइंसाफी लोगों के साथ हुई है कि 3 महीने की कनेक्टिविटी है और जम्मू का क्लेम था 30 सीट के लिए, उसको भी ख़त्म किया और ये साफ करने चले थे, इन्होंने बेइंसाफी कर दी। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी 1,92,000 पॉपुलेशन पर आधारित है और सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी 37,000 पे है, इतना बड़ा गैप है। के तौर पर यहाँ बैठी हैं जो डिलिमिटेशन करवाया है, ये तो एक बिल्कुल नाजायज़ और गलत फिरकादाराना बनाया हुआ है। इनको जो भी आज इन्होंने एजेंडा किया हुआ ये सब बीजेपी का एजेंडा है और जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी सिर्फ स्टैंप लगा ली है इन्होंने और ये बहुत नाजायज़ गलत और लोगों से बहुत धक्का हो रहा है। या जम्मू कश्मीर रियासत को पहले इन्होंने 370 और 35 को हटाया है, वो हटा के स्टेट तबाह कर दी है। जो इन्होंने सब्ज बुखार बाग लोगों को दिखाए थे, हम यहाँ दूध की नदियाँ बह जाएंगी, वो आप सब दुनिया ने देखा है यहाँ क्या हुआ है। जितने भी यहाँ के दूसरे बाहर के ठेकेदार वो यहाँ ला के रेत बजरी को बेचा है, शॉप का आप देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ, क्या कुछ किया है लोगों ने यहाँ। और आज ये जो डिलिमिटेशन करके एक फिरकादाराना एक कम्युनिटी के लोगों को अलग करके दूसरों को अलग करके ये डिलिमिटेशन बना गई है, ये बीजेपी को छोड़ के आज सारी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर रियासत की यहाँ इकट्ठी हुई हुई हैं और किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया और हम ये चाहते हैं कि ये दोबारा डिलिमिटेशन किया जाए और जो यहाँ डिलिमिटेशन के लोग थे उनको अलग चेंज करके नए लोगों को बिठाया जाए और दूसरा जो है उस डिलिमिटेशन के तरीके से की जाए, नहीं तो जो चल रहा था पहले उस तरीके से अगर चलेगा तो वो बहुत अच्छा तरीका था। अब इन्होंने सिर्फ बदले की भावना से ये जम्मू कश्मीर रियासत को तबाह करने का बदले की भावना से ये बीजेपी कर रही है और ये हम इसको इस वक्त ये चाहते हैं कि ये डिलिमिटेशन बिल्कुल किसी को मंजूर नहीं है, ये बिल्कुल दोबारा की जाए और लोगों की जो राय ली जाए, हर पॉलिटिकल पार्टी की राय ली जाए, लोगों में जाया जाए
सीनियर सिटीजन से मिला जाए और जो अच्छे मौजूद लोग हैं जैसे जम्मू कश्मीर से उनकी मीटिंग किए जाए और उसके बाद ये जाके नया डिमिटेशन किया जाए। ये हमको किसी को मंजूर नहीं है, कितने ही मंजूर नहीं है, ये हम नहीं चाहते। आज सारी पार्टियां आप देख रहे हैं, यहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टियां आई हुई हैं, एक्सेप्ट बीजेपी नहीं आई। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक डू फॉलो आवर फेसबुक पेज।